दोस्तों आपको YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलते होंगे कि अगर आपको कोई चेक दिया है और अगर वह चेक बाउंस कर गया है तो फिर आपके पास क्या कानूनी उपाय हैं, आप क्या करें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ठीक विपरीत बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी को चेक देना हो तो आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि कल को आपको पछताना नहीं पड़े, आप सेफ जोन में रहें, आप फंसे नहीं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आप कई बार किसी को चेक दे देते हैं और अगर वह चेक बाउंस कर जाता है तो फिर आप मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर कानूनी अड़चने आने लगती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो अगर आप छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर चेक बाउंस करने पर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोर्ट में भी कल को मामला चला जाता है तो फिर आपका पक्ष स्ट्रांग रहेगा और आप केस जीतेंगे। तो अब सवाल उठता है कि आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है और अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति कल को आपके चेक का मिसयूज कर सकता है, वह आपके अकाउंट से मनमर्जी जितना मन करे अमाउंट भर के निकाल सकता है, तो फिर आप उस चेक को स्टॉप करा सकते हैं। आज तो ज़माना टेक्नोलॉजी का है, आप खुद से भी मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से उस चेक को स्टॉप कर सकते हैं। या फिर आप बैंक ब्रांच में जाकर जहां आपका होम ब्रांच है वहां से भी उस चेक को स्टॉप करा सकते हैं। अगर आप किसी को चेक जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए देते हैं तो फिर आप चेक के पीछे फॉर सिक्योरिटी पर्पस ज़रूर लिख दें, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर चेक से कोई विवाद हो जाता है और अगर आपको कोई पार्टी नोटिस भेजता है तो आप नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, आप नोटिस का रिप्लाई ज़रूर दें। अगर आपको समझ नहीं आता है कि नोटिस का क्या रिप्लाई दिया जाए तो फिर आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। लेकिन चेक के मामले में या कोई भी अगर आपको नोटिस आता है तो आपको भूल कर भी उस नोटिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको बिना देरी किए हुए उस नोटिस का रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया है और अगर वह व्यक्ति आपको बिना जानकारी दिए हुए अपने मर्जी से उस चेक पर अमाउंट डाल के पैसा निकाल देता है और अगर आपको जानकारी नहीं होता है और अगर वह चेक बाउंस करा देता है क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं थी और अगर आपके खाते में उतना पैसा ही नहीं था तो निश्चित है कि चेक बाउंस करेगा। तो ऐसा होने के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराएं, क्योंकि वह आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वह आपको बिना जानकारी दिए हुए आपके खाते से गलत तरीके से पैसा निकाल रहा है और आपको फंसाने के लिए चेक बाउंस करा रहा है। तो ऐसे मामलों में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको थाने में FIR ज़रूर दर्ज कराना चाहिए और आपको कोर्ट में भी उसके खिलाफ केस दर्ज करा देना चाहिए ताकि आपका पक्ष स्ट्रांग हो। तो दोस्तों किसी को चेक देने से पहले आप इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि कल को आप किसी मुसीबत में ना फंसें, और अगर फंस भी जाएं तो आप मुसीबत से आसानी से बच जाएं, आपका पक्ष स्ट्रांग हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।